सेंटर्सन स्कूल में मनाया गया गुड फ्राइडे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हुई प्रभु यीशु की प्रार्थना। बड़ी संख्या में मसीह समाज के लोग चर्च में उपस्थित। सेंटर्सन चर्च में आज गुड फ्राइडे मनाया गया। कहा जाता है कि आज के दिन 3 बजे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज सभी चर्चों में मसीह समाज के लोग अपने कंधे पर प्रभु यीशु का क्रूस को लेकर चर्च में चलते हैं। आज की विशेष प्रार्थना 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चली। सभी चर्चों में मसीह समाज के लोग इस दिन को मनाने के लिए उपस्थित हुए। यस सर, आज गुड फ्राइडे है और सभी क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन ईसा मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर बिछावर किए थे। जब हम आज का ये दिन मनाते हैं तो प्रभु ईसा मसीह का जो भी संदेश है वो प्रेम का संदेश, शांति का संदेश हम दूसरों को भी के बीच में ये बांटते हैं। और इसीलिए जब इस त्यौहार को जब हम मनाते हैं प्रभु ईसा मसीह के उस बलिदान को सर्वप्रथम हम याद करते हैं, क्योंकि उस बलिदान के द्वारा उसने सभी संसार के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए यह अपने प्राण निछावर किए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि हमारा उद्धार हो सके, ताकि हम पापों से दूर रह सके। आज सारे विश्व में हम जानते हैं किस प्रकार का माहौल है प्रभु ईसा मसीह का। जब हम यह पर्व मनाते हैं सूली पर उनको चढ़ाने का, तो हम यही संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि प्रभु ने अपने आप को निछावर कर दिया ताकि दूसरे लोग जीवित रह सके। हम उनसे सीखें कि किस प्रकार से अपने आप को जो भी निछावर कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से जो भी कुछ त्याग कर सकते हैं वो अपने कर से करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने संसार के अंदर एक प्रेम और शांति का संदेश लेकर के जी सकें। आज हम ईसा मसीह के जो भी 14 स्थान हैं, उन 14 स्थानों के ऊपर अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से ईसा मसीह को दुख सहना पड़ा क्रूस लेकर के, कहीं वो गिरते हैं, कहीं वो अपनी माँ से मिलते हैं, कहीं लोगों से मिलते हैं, कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं जो क्रूस रास्ते में हुई है उन सभी का आज दर्शाया जाएगा। और लोग जो इस चर्च के जो भी अनुयायी हैं सभी उस क्रूस को लेकर के चलेंगे।